नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आज हम जानेंगे रेलवे की 1 लाख से ऊपर जो भर्ती ग्रुप डी की आई RRC के थ्रू उसका ऑनलाइन आवेदन कैसे करते हैं, पूरी जानकारी हिंदी में। दोस्तों ध्यान रहे, ये वीडियो आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है, इसमें पूरा ट्यूटोरियल है, वो भी पूरा पूरा हिंदी में। दोस्तों सबसे पहले आपको नंबर 1 वेबसाइट RozgarRizult.com को ओपन करना है। दोस्तों ध्यान रहे, RozgarRizult.com या तो आप दूसरी नंबर 1 वेबसाइट SarkariRizult.com को भी ओपन कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान दें, सरकारी रिजल्ट या रोजगार रिजल्ट आपको खोलते लास्ट में .com जरूर लगाना है, क्योंकि इन दोनों के नाम से बहुत सी मिलती जुलती फेक वेबसाइटें आ गई हैं, जिसमें पेमेंट वगैरह के गलत लिंक है, उसकी वजह से आपका पेमेंट गलत अकाउंट में चला जाएगा और आपका फॉर्म इनकम्प्लीट रहेगा, एडमिट कार्ड नहीं आएगा। इसलिए दोस्तों जब भी खोलिए SarkariRizult.com या तो RozgarRizult.com को ही ओपन करिए, ये दोनों बिल्कुल ट्रस्टेबल वेबसाइट है। चलिए दोस्तों और टाइम ना खराब करते हुए सीधा फॉर्म पे आते हैं। आपको सीधा लेटेस्ट जॉब में आ देखिए रेलवे RRC ग्रुप डी फॉर्म दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हो डिटेल्स ओपन हो जाएगी। 12 मार्च से फॉर्म चालू हुआ है, 12 अप्रैल लास्ट डेट है, ये सारी डिटेल्स आप पढ़ लीजिए। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि फॉर्म भरने से पहले जिस भी जोन के लिए आपको अप्लाई करना हो, जैसे आपको दिल्ली जोन के लिए अप्लाई करना हो तो आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही एक PDF डाउनलोड होगी, PDF में आपको अपना एक प्रेफरेंस जो है उसको नोट डाउन कर लेना है। ये देखिए दोस्तों PDF इसकी डाउनलोड हो गई है, इसमें आपको अपना जो प्रेफरेंस है उसको डाउनलोड कर लीजिए, नोट कर लीजिए कॉपी में। जैसे इस पोस्ट में 17 प्रेफरेंस है, आप इसको नोट कर लेंगे तो आपको फॉर्म भरने में आसानी होगी, क्योंकि इसका प्रेफरेंस आपको आगे देना है। चलिए दोस्तों वापस फॉर्म पे आते हैं, अपना सीधे चलते हैं अप्लाई ऑनलाइन पे। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो आपको लॉगिन पे करना है, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कीजिए। अप्लाई ऑनलाइन पे करते ही आपसे सबसे पहले पूछेगा आपकी कैटेगरी क्या है, आपको कैटेगरी डाल देना है। नेक्स्ट आप पूछे कि आप एक्स सर्विसमैन है, क्या आप विकलांग है, क्या आपने ITI वाली ट्रेनिंग की है, ट्रेनिंग अगर की है तो यस कीजिए, नहीं तो नो करके यहाँ ओके करके अप्लाई कर दीजिए। दोस्तों जैसे ही आप अप्लाई करेंगे, देखिए जोन पूछ रहा है किस जोन से आपको अप्लाई करना है। मुझे दिल्ली जोन से अगर अप्लाई करना है तो दिल्ली कर लेंगे, आपको जिस जोन से करना है उस जोन से कर लीजिए। यहाँ करेंगे दोबारा आपसे पूछेगा क्या आप NR दिल्ली के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आपको कंफर्म करना है। जैसे आप कंफर्म करेंगे देखिए इंस्ट्रक्शन आ जाएंगे पूरा, यहाँ पे डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है और सबमिट पे बटन दबा देना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है। नेक्स्ट आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, यहाँ आपको अपना आधार नंबर, पिता का नाम, मैं भर के आपको दिखाता हूँ पूरा, मैं आपको पहले बता देता हूँ। यहाँ आपको आधार नंबर डालना है, पिता का नाम डालना है, माता का नाम डालना है। यहाँ आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन डालनी है, हाई स्कूल या तो ITI। अगर ITI देना चाहते हो आपको ITI का रजिस्ट्रेशन नंबर भी देना पड़ेगा, अगर आप हाई स्कूल देते हो तो आपको हाई स्कूल के हिसाब से देना पड़ेगा। दोस्तों नेक्स्ट में आपको देखिए आपको हाई स्कूल का अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, ईयर ऑफ पासिंग डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, नेक्स्ट फिर मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालना है, नेक्स्ट फिर ईमेल आईडी कैप्चा डालना है या रजिस्ट्रेशन पर टिक करके सबमिट करना है। मैं डिटेल्स भर लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। दोस्तों देखिए जैसे आप डिटेल्स डाल के कंफर्म करेंगे, इस तरह आपको दोबारा रीचेक यानी प्रीव्यू का ऑप्शन आ जाएगा, इसमें आपको अपनी सारी डिटेल्स देखनी है। सारी डिटेल्स अगर आपकी सही है, स्पेलिंग वगैरह सही हो तो आपको यहाँ कंफर्म पे क्लिक करना है। कंफर्म पे क्लिक करते ही आपके मोबाइल और रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे एक OTP जाएगा, उसको डाल के रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। चलिए हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों ये देखिए रजिस्ट्रेशन हमारा कंप्लीट हो गया, यू आर सक्सेसफुल रजिस्टर्ड, रजिस्टर नंबर आ गया, आपका पासवर्ड आ गया, पासवर्ड आपकी डेट ऑफ बर्थ रहती है, विदाउट इस तरह आपको लिखना है DDMMYYY के मोटर में लिखना है। जैसे आप ओके करेंगे फिर आपको अपना OTP डालना है, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। दोस्तों देखिए रजिस्ट्रेशन करने में जब आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, अब आपको यहाँ पर अपनी OTP डालना है, जो आपके मोबाइल पे OTP आया है उसको आपको इधर डालना है और जो आपके ईमेल पे OTP आया है उसको आपको इधर डाल के वैलिडेट करना है, तो आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो जाएगा। मैं डाल के दिखाता हूँ। दोस्तों ये देखिए मैंने अपनी दोनों ईमेल आईडी और जो मोबाइल पे OTP आया था वो डाल दिया, अब हम सीधा उस पर वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। दोस्तों वैलिडेट पे करने के बाद ये देख सकते हैं आपका रजिस्ट्रेशन बढ़ चुका है, अब आपको यहाँ पे क्लिक करना है। दोस्तों इसके देखिए अगला स्टेप ये है पेमेंट भुगतान, उसका अगला ऑप्शन ये है अगर आप मॉडिफिकेशन कुछ करना है, कुछ भी रजिस्ट्रेशन में गलती होगी तो आप 100 रुपये संशोधन शुल्क देके कुछ भी संशोधन आप कर सकते हैं, लेकिन ध्यान दें जो आपने जोन सिलेक्ट किया है वो नहीं होगा, और लास्ट में आपका प्रीव्यू। चलिए दोस्तों हम आवेदन पे क्लिक करते हैं। दोस्तों देखिए हमारा फॉर्म खुल गया, अब यहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशन पूछ रहा है क्या क्वालिफिकेशन है, आप यहाँ पे 10th कर दीजिए, अगर आपके ज़्यादा है तो 10th ही ऑप्शन है इसमें। नेक्स्ट आपका पूछ रहा है नेशनलिटी, इसमें आप सिटीजन ऑफ इंडिया कर दीजिए। नेक्स्ट पूछ रहा है कैटेगरी, आपकी कैटेगरी कौन सी है, जो आपकी कैटेगरी उसको कर दीजिए। EWS भी है इस बार, अगर आप EWS में आते हैं तो उसको कर सकते हैं। आपका जैसी कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे दोबारा आपका कंफर्म पूछेगा। नेक्स्ट आपका जेंडर है, नेक्स्ट आपका धर्म है, आपका हिंदू है, मुस्लिम है, जो भी है आप कर सकते हैं। उसका अगला ऑप्शन जो है यहाँ पे आपका PH कैंडिडेट है, उसका अगला ऑप्शन आपका एक्स सर्विस मैन है। उसके क्या पूछ रहा है, आपने अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग की है, अगर किया है तो यस कीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। अगर आप यस करेंगे तो आपको यहाँ पूरा जो है देना पड़ेगा।
कि कब से कब तक किया है, पूरा डिटेल सब देना है। क्या रेलवे में किया है कि बाहर किया है, क्या आप इम्प्लाई है, नहीं है तो नो कर दीजिए। नेक्स्ट, क्या आपने जम्मू कश्मीर में डोमिसाइल है, क्या आप रेलवे सर्विस है, क्या आपने वैसे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर है, यस है तो यस कीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। दोस्तों ये देखिए, ये ऑफर इसमें भी दिया है, आपने रेलवे के बाकी फॉर्मों में भी देखा होगा। ये देखिए, अगर आपकी आय 50,000 रुपये से कम है, अगर आपकी पारिवारिक आय 50,000 रुपये से कम है, तो आपको इस फॉर्म में एप्लीकेशन फीस में 250 रुपये की छूट मिलेगी EBC के तहत। अगर आपका है तो यस कीजिए, अगर आप यस करेंगे तो आपको आय प्रमाण पत्र नंबर, अपना सर्टिफिकेट नंबर, EBC नंबर, ये सब देना पड़ेगा। सर्टिफिकेट डेट किस तारीख को जारी हुई है, किस स्टेट से जारी हुआ, अगर नहीं देना चाहते तो आप नो कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए। आगे करते आपको सबमिट पे क्लिक करना है। दोस्तों जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, देखिए पोस्ट का प्रेफरेंस का ऑप्शन आ गया है। देखिए हमने दिल्ली जोन चूज किया, तो उसमें जो है आपका, आपको 17 पोस्ट का प्रेफरेंस देना है। ये देखिए यहाँ से आपको 1, 2, 3, 4 करके देना है। चलिए दोस्तों हम उसको भरते हैं, जिसमें ज़्यादा है उसको कर लीजिए, अपने हिसाब से आपको जिस हिसाब से आप चाहे उस हिसाब से सेट कर सकते हैं। दोस्तों उसको मैं भर के आपको दिखाता हूँ। दोस्तों देख सकते हैं सारे क्रम मैंने सेट कर दिए, आपको भी इस तरह 1, 2, 3, 4 की प्राथमिकता से इसको करना है। दोस्तों ध्यान रहे कोई भी नंबर डबल नहीं होना चाहिए, आप इसको अपने हिसाब से इतमान से अच्छी तरीके से इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद भरिए। जिसमें ज़्यादा पोस्ट है उसको पहले प्रेफरेंस दीजिए, या जिसको आप चाहे उसको दे सकते हो। दोस्तों इस तरह पूरा भरने के बाद इसको अच्छी तरह चेक कर लीजिए। नीचे आएंगे, नीचे देखिए अगर आपको कैप्चा दिखाई दे रहा है, कैप्चा पे आपको क्लिक करना है, दोबारा आपको सबमिट बटन पे दबाना है। दोस्तों जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, देखिए एक प्रीव्यू आ जाएगा। देखिए प्रायोरिटी सारी हमारी सेट हो गई है, जिस हिसाब से हमने वहाँ सेट किया था, देखिए सब साइड सेटिंग आ गई। टोटल 21 पोस्टों के लिए पूरा आ गया है, ये कैटेगरी है, इस पे मत जाइए। इधर देखिए प्रायोरिटी आपने जो डाली है, इस हिसाब से पूरी सीरीज में आ गई है। अगर आपका प्रेफरेंस बिल्कुल सही है तो आप यहाँ पे टिक करके कंफर्म कर दीजिए। अगर आपको कुछ चेंजेस करना है तो एडिट करके आप चेंजेस भी कर सकते हैं। मेरा डिटेल सही है, मैं कंफर्म करके आगे चलता हूँ। दोस्तों देखिए एक स्टेप हमारा बढ़ चुका है, आपको स्टार्टिंग में दिखाया था तो बिल्कुल जीरो था, अब हम आ जाएंगे एप्लीकेशन फीस पे। अगर आपकी एप्लीकेशन फीस कट गई है और फॉर्म में अपडेट नहीं हुआ है, तो आप चेक पेमेंट स्टेटस करके अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। अगर आप पहली बार पेमेंट करने जा रहे हो तो सीधा आपको एप्लीकेशन फीस पे क्लिक करना है। दोस्तों जैसे ही एप्लीकेशन फीस पे क्लिक करेंगे, देखिए ऑप्शन आ गया, यहाँ पे आपके दो मोड पूछ रहा है, या तो आप बैंक है, दूसरा पोस्ट ऑफिस है। पोस्ट ऑफिस आपका ई चलान मोड है, बैंक आपका ऑनलाइन मोड है। अगर आपको ऑनलाइन फी पेमेंट करना है तो आप बैंक पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे टिक करेंगे और क्लिक टू प्रोसीड पे बटन दबाएंगे। दोस्तों बटन दबाते बाद देखिए पेमेंट गेटवे खुल गया है। ये स्टेट बैंक का नेट बैंकिंग है, ये अदर बैंक का नेट बैंकिंग, इसमें 6 रुपये आपका ट्रांजेक्शन चार्ज लगेगा। उसके बाद अगर आप नीचे आएंगे तो देखिए डेबिट कार्ड के ऑप्शन है, ये स्टेट बैंक का है, ये अदर बैंक का है, ये क्रेडिट कार्ड है। दोस्तों ये लास्ट ऑप्शन जो आप देख रहा है, ये SBI बैंक का ई चलान है। अगर आपको चलान के थ्रू पेमेंट करना है स्टेट बैंक के थ्रू, तो आपको इस पर क्लिक करना है, बैंक का चलान निकलेगा, फिर आपको उसको किसी भी स्टेट बैंक की शाखा में जमा करना है और उसके बाद आपको फॉर्म कंप्लीट करना है। उसके बाद दोस्तों एक ऑप्शन और है, UPI भीम ऐप, जिसका आपने नाम सुना होगा, उसके थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों मैं आपको स्टेट बैंक की नेट बैंकिंग से पेमेंट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको लॉगिन डालना है, पासवर्ड डालना है, उसके लॉगिन पे क्लिक करना है। दोस्तों जैसे आप स्टेट बैंक की साइट पे लॉगिन करेंगे, देखिए पूरा डिटेल्स आपका आ जाएगा, रिक्वेस्ट आईडी आ जाएगी, आपका नाम वगैरह आ जाएगा। बस आपको यहाँ कंफर्म करते जाना है, रेफरेंस नंबर है, अमाउंट है, पेमेंट मोड है, रिक्वेस्ट आईडी है, सब कुछ आ जाएगा। बस आपको कंफर्म करते जाना है, आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। ये देख सकते हैं 500 रुपीज का अमाउंट कट रहा है, क्योंकि जनरल कैंडिडेट पे डाला जा रहा है फॉर्म ये। दोस्तों देखिए फॉर्म हमारा कंप्लीट प्रोसेस में भर चुका है, देखिए पेमेंट हमारा कंप्लीट हो चुका है, ये देखिए टिक का निशान होगा। अब आपको फिल एडिशनल डिटेल्स पे क्लिक करना है पेमेंट करने के बाद। दोस्तों जैसे ही क्लिक करेंगे आप उस पर, देखिए आपका डिटेल्स पूछ रहा है, आपने क्लास 10th किस बोर्ड से किया है, यू तो आपने अदर कर रखा है, मैंने जहाँ पे जहाँ देखिए वहाँ डाल दीजिए। फिर आपको पूछा आपने किस स्टेट से किया है, मैंने दिल्ली डाल दिया, उसको यहाँ पे स्टेट पूछ रहा है, फिर मैंने न्यू दिल्ली डाल दिया। यहाँ पूछा मार्क्स में देना है, परसेंटेज में देना है, उसके बाद आपका जो परसेंटेज वो डालना है आपको। फिर यहाँ पूछा कि आपका ITI क्वालिफिकेशन है, अगर है तो यस कर दीजिए। और जैसे ही आप उसको यस करेंगे, देखिए पूछा ITI है, NAC है, क्या है, मैंने ITI कर दिया। ITI में देखिए यहाँ ट्रेड पूछ रहा है, अगर आपका नहीं है दोस्तों तो सीधा आपको नो करके नीचे चले जाना है, अपनी हायर क्वालिफिकेशन भरना है। अगर आपकी हायर क्वालिफिकेशन PG है, UG है, जो भी है आप उसको भर सकते हैं। नीचे भी मैं अभी आपको उसको भर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। दोस्तों ये देखिए पूरा मैंने भर लिया है, यहाँ आपको हाई स्कूल का अपना बोर्ड डालना है, या किस स्टेट से किया है, किस डिस्ट्रिक्ट से किया है, परसेंटेज कितना वो डालना है। दोस्तों उसका अगला ऑप्शन है आपके आपके पास ITI है, अगर है तो आप इस तरह उसको भर सकते हैं, कहाँ से किया है, इंस्टीट्यूट का नाम, पासिंग जो है, और स्टेट जो है, जिला जो है आपका, डिस्ट्रिक्ट कहाँ से है, परसेंटेज कितना है। दोस्तों उसका अगला ऑप्शन पूछ रहा है आपकी अदर क्वालिफिकेशन, हायर क्वालिफिकेशन क्या है। अगर आपकी PG है तो डाल दीजिए, जैसे MBA वगैरह किया तो मैनेजमेंट में डाल सकते हैं।
दोस्तों अगला ऑप्शन है मातृभाषा, मातृभाषा आपकी हिंदी है, ये डाल सकते हैं। दूसरों दोस्तों उसका अगला ऑप्शन पूछ रहा है क्या आप चॉइस ऑफ लैंग्वेज इन एडिशनल टू इंग्लिश, इंग्लिश के सिवा और किसका एग्जाम आप चाहते हैं, मतलब कि जो एग्जाम पे आपको लैंग्वेज मिले तो उसमें आप हिंदी सिलेक्ट कर सकते हैं या तो इंग्लिश का इंग्लिश कर सकते हैं, इंग्लिश तो कंपलसरी है ही है इसके साथ, उसके साथ में आप हिंदी को ऐड कर सकते हैं। दोस्तों उसके ये देखिए एड्रेस पूछ रहा है, आप अपना एड्रेस डाल दीजिए, पिन कोड डाल दीजिए। नेक्स्ट आपको जो है यहाँ पे जो है आप नीचे आएंगे, आईडी प्रूफ को ऑप्शन पूछा जो आप सीबीटी एग्जाम में लेके जाएंगे, अगर आप आधार कार्ड लेके जाएंगे तो आपको आधार कार्ड डालना है और यहाँ आपको अपना नंबर डाल देना है। दोस्तों ये देखिए एक ऑप्शन और दिया हुआ है, यहाँ पे दो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स आपको डालने हैं, जैसे कटा हो, तिल का निशान हो, मोल्स हो, ये दो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स आपको डालने कंपलसरी है। यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड डालना है। दोस्तों ये देखिए एक ऑप्शन और दिया है जो आपका 400 रुपये रिफंड आएगा, मतलब कि जनरल ओबीसी का अगर आप 500 पेमेंट करते हैं तो 400 रुपये रिफंड आएगा और एससी एसटी और महिलाओं का 250 रुपये रिफंड आएगा और जो लोग की सालाना आए 50,000 से कम है उनका भी 250 रुपये रिफंड आएगा। अगर आप रिफंड उसी अकाउंट में चाहते हैं तो यस कीजिए, अगर आप किसी नए अकाउंट में चाहते हैं किसी फ्रेंड या फैमिली रिलेटिव अकाउंट में चाहते हो तो नो कर दिए, नो करेंगे तो आपको यहाँ पे अकाउंट होल्डर का नेम देना पड़ेगा, आईएफएससी कोड देना पड़ेगा, अकाउंट नंबर देना पड़ेगा, ये सब डिटेल भरनी पड़ेगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे नीचे स्कोर कार्ड जो रेलवे के अदर डिपार्टमेंट में शेयर किया जाए कि नहीं, अगर आप इससे एग्री करते हो तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो करके आपको कैप्चा डालना है, सबमिट पे क्लिक करना है। दोस्तों जो ये आपको ओरिजिनल आईडी प्रूफ पूछ है यहाँ पे और भी ऑप्शन है, आप देख सकते हैं कॉलेज आईडी है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, प्रिंट आउट ऑफ ई आधार भी इसमें वैलिड है, दोस्तों ध्यान रहे प्रिंट आउट ऑफ ई आधार, वोटर आईडी, कोई और इम्प्लाई आईडी हो वो सब भी आप जो है दे सकते हैं। चलिए दोस्तों इसमें फिल आउट करके नेक्स्ट स्टेप पे चलता हूँ। दोस्तों देखिए डिटेल्स मैंने फिल आउट कर दी है यहाँ अपना, मुझे उस सेम अकाउंट में पैसा रिफंड नहीं चाहिए जिस अकाउंट में पेमेंट से हुआ है। दोस्तों अगर आप साइबर कैफे वगैरह में फॉर्म भरवाए हैं या किसी दुकान वगैरह में फॉर्म भरवाए तो नो करके अपना अकाउंट नंबर जरूर डलवाए, नहीं तो पेमेंट जो रिफंड आएगा उसके अकाउंट में आ जाएगा और आपको बाद में प्रॉब्लम होगी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट करते हैं, सबमिट करते हैं उसको। ये देखिए पूरा डिटेल्स भर गया है, अब मैं सबमिट करके आगे चलता हूँ। दोस्तों देखिए फॉर्म के हम लोग लास्ट स्टेप पे पहुंच चुके हैं, ये देखिए थर्ड स्टेप लास्ट स्टेप है, यहाँ पे आपको फोटो अपलोड करनी है 20 से 50 केबी के अंदर और सिग्नेचर 10 से 40 केबी के अंदर, उसको यहाँ क्लिक करना है और फाइनल सबमिट कर देना है। फोटो सिग्नेचर आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे होगी, उसको आपको लगाना है, यहाँ ब्राउज करके जहाँ पे भी आपके हो उसका डेस्टिनेशन चूज करके अपलोड पे क्लिक करना है, मैं करके दिखाता हूँ आपको। दोस्तों देखिए फोटो सिग्नेचर अपलोड कर दी, अपलोड करने में आपको यहाँ फोटो सिग्नेचर का प्रीव्यू दिख जाएगा और यहाँ पे आपको टिक का निशान आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आपको क्लिक क्लियर पे यहाँ देखिए दिया डिक्लेरेशन, इस पर क्लिक करना है और नीचे जाके सबमिट करना है। दोस्तों ये देखिए जैसे ही आप फाइनल सबमिट करेंगे देखिए आपका प्रिंट आउट आ गया। अब आपको इस प्रिंट आउट को अपना एक सेव कर लीजिए, इसको ईमेल पर रख लीजिए और आपका फॉर्म प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो गया। दोस्तों अगर इसके बाद भी कोई अगर आपकी गलती हो जाती है तो आपको वापस sarkaririzult.com या rozgaririzult.com पे जाना है, लॉगिन सेक्शन पे जाके आप 100 रुपये का पेमेंट देके कोई भी करेक्शन करा सकते हैं, लेकिन ध्यान है रीजन चेंज नहीं होगा। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताइए, कोई भी आपके सवाल हो हमें कमेंट सेक्शन पे पूछिए, हम आपको जवाब देंगे। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए। और आपसे एक रिक्वेस्ट और है दोस्तों, हमारे इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुपों में जरूर शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त यार भी जाने फॉर्म कैसे भरता है, उनका फॉर्म भरने में कोई गलती ना हो, उनका भी 100 रुपये बिना मतलब ना लगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।